रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट। एक एनालिसिस इस पर मैं बिल्ड करूँगी, हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हिस्ट्री में, पूरे साउथ एशिया की हिस्ट्री में हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। क्योंकि साउथ एशिया की हिस्ट्री में स्टूडेंट्स रोड्स पर निकले, ठीक है, किसी खास ओपोजिशन पार्टी के लिए नहीं निकले, बल्कि अपने हक के लिए निकले, और उन्होंने पूरा का पूरा निज़ाम बदल कर रख दिया, ठीक है, और ये इंश्योर करवाया कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो लास्ट वीडियो थी, आई डिस्कस विद यू कि ये एक कोटा रिफॉर्म मोमेंट है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हालात चेंज हो रहे हैं, करंट डेटा इकट्ठा होता जा रहा है बांग्लादेश प्रोटेस्ट से रेलिवेंट, तो मैं इस जो पूरी मोमेंट है इसको नाम दूंगी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश मोमेंट। क्यों, किस चीज़ की आज़ादी भाई, किस चीज़ की आज़ादी है? क्या यहाँ पे पहले डेमोक्रेसी नहीं थी? नहीं, क्यों नहीं थी? देखिए, इससे पहले मतलब इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, वो इस तरह से हुकूमत कर रही थी कि सिर्फ बराए नाम डेमोक्रेसी बांग्लादेश में दिखी जा रही थी। कैसे? शेख हसीना वाजिद ने क्या किया जी? सबसे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया है कि कॉन्ट्रोवर्सियल इलेक्शंस करवाए और अपने टेन्योर को एक्सटेंड किया 2024 के, मतलब कि ऑपोजिशन को बायकॉट किया, ठीक है, एंड लो वाटर टर्न आउट। और इन इलेक्शंस को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भाई इसमें किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, किसी किस्म के मतलब लैक ऑफ फेयरनेस इसमें आपको नज़र आएगी, ठीक है। देन इन्होंने दूसरा काम क्या किया है जी? सुप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशंस, पॉलिटिकल ऑपोजिशंस को आपने छोड़ा ही नहीं है, मतलब आपने उनको बंद कर दिया है, ठीक है। आपने जो ओपोजिशन थी इनकी खालदा, ठीक है, वो अब रिहा हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने क्या किया है कि वाइड स्प्रेड अरेस्ट करवाया, किसका? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अपनी पावर को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने कहा भाई ओपोजिशन जो से वो मुझे नज़र ना आए, ठीक है। तो ना ही इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट आने दी और ना ही इन्होंने ओपोजिशन को छोड़ा, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको इन्होंने पहले ही अपने विंग्स के नीचे दबा लिया, ठीक है। नौकरियों की अगर हम लोग बात करें तो नौकरियां ऑलरेडी आपको पता है कि वो उन्होंने देनी ही सिर्फ अपने लोगों को होती थी, दैट्स वाई ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट और इतनी बड़ी मूवमेंट जो सी है वो मतलब कि चली। सिक्योरिटी फोर्स का इन्होंने यूज़ किया, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स का यूज़ करते हुए इन्होंने अपना कंट्रोल मेंटेन रखा। जब सिक्योरिटी फोर्स का यूज़ होता है, इट्स मीन कि आप ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ उसका नतीजा निकलता है। इन एक्शंस की वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था बांग्लादेश में होप वाला, ठीक है, और पॉलिटिकल फ्रीडम जोन्स थी वो पूरी की पूरी वहाँ पर रियूज़ हो चुकी थी। बिसाइड्स दिस इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मीडिया और जुडिशरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। सो शी कंट्रोल ओवर द मीडिया एंड जुडिशरी, और फ्री स्पीच इन्होंने लिमिटेड कर दी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल डिसीजंस भी इन्होंने लिमिटेड कर दिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस हैं वो वीक होते हैं। ये इन्होंने सारे काम किए हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर रही हैं जी? आप अपने ये जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपने बांग्लादेश मूवमेंट पे कोई एनालिसिस करना है, तो आप इनमें हेडिंग्स ऐड करके जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अच्छा देखिए, आप जिस पॉपुलेशन पर रूल कर रहे हैं उसी पर आप मैस मर्डर भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से रिसोर्सेज के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने 300 स्टूडेंट्स को कत्ल किया पिछले कुछ दिनों में, और हज़ारों को ज़ख्मी किया, और इवन के स्टूडेंट्स को अंधा भी करवाया। आजकल के दौर में आप कैन यू इमेजिन, नबीना हो चुके हैं वो वाले स्टूडेंट्स जिनको जिन पे इन्होंने इस तरह की हरकतें की, इस तरह का वायोलेंस किया है। इन सब चीज़ों के बाद 4 अगस्त, मतलब कि आज क्या डेट है जी? 6 है, ठीक है। तो 4 अगस्त मतलब कि एक दिन पहले
बांग्लादेश की आर्मी ने हाथ उठा दिए, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम मज़ीद अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, ठीक है। मतलब कि मिलिट्री जो है, मतलब आपका जो एक मिलिट्री आर्म है गवर्नमेंट का, उसने 4 अगस्त को कट कर दिया। उसने कहा कि नहीं भाई, हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते हैं, ठीक है। और जब एक मुल्क में गवर्नमेंट का मिलिट्री आर्म कट हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो फिर इजीली मुल्क में ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती है। यही हुआ हसीना वाजिद के साथ भी। अच्छा, अब क्या होगा? चलें, ये गली मोहल्लों में आने वाले जो आवाज़ें होती हैं ना, उससे बहुत डिस्टरबेंस होती है। सॉरी, सो स्टार्ट करते हैं दोबारा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो मिलिट्री विंग है ना, मिलिट्री विंग हो गया है कट ऑफ, ठीक है। और फिर क्या हुआ है जी, फिर 4 अगस्त की शाम को दोबारा से क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये इस तरह के क्लैश होते हैं कि जिसमें प्रोटेस्टर्स और जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स, मतलब जो पुलिस होती है, वो फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, फिर से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। और इसमें तकरीबन 70 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भाई 14 से 20 इसमें पुलिस मैन भी थे, ठीक है। 5 अगस्त मतलब कल, बकायदा तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के, वो एक आखिरी कॉल देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आज हम एक फाइनल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, और हमारी डिमांड्स पूरी करें। उनकी एक डिमांड ये भी होती है कि ये जो शेख हसीना वाजिद हैं, इनको रिज़ाइन करना, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस पूरी की पूरी मूवमेंट को एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट भी कहते हैं। इसके बाद वो कह रहे थे कि अगर आपने हमारी डिमांड्स ना मानी, तो आपके जितने भी मीनार हैं, जितने भी आलीशान बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये वो आप, मतलब कि बैकलैश होगा, वो ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम नेक्स्ट मज़ीद अपना जो मार्च है वो ढाका की तरफ, जो कैपिटल है बांग्लादेश का, उस तरफ हम लोग मार्च शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी ये प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले ही फौज ने हसीना वाजिद से कहा कि भाई आप रिज़ाइन करें और इस मुल्क से आप चली जाएं, यही बेहतरीन सोल्यूशन है इस वक्त, अदरवाइज इन्होंने आपको ही पकड़ के ना मार देना है, ठीक है। तो फिर वो चली गई यहाँ से। अब करंट क्या सिचुएशन है वहाँ पर? फेशिज़म है वहाँ पर क्या? ठीक है, नहीं। बांग्लादेश कहता है कि भाई जितना भी फाशिस्ट जो भी था, हसीना वाजिद की शक्ल में वो जो भी कर रही थी, उसको हमने ख़त्म की है और मज़ीद अभी हम ख़त्म करेंगे। वो कहती हैं कि हम लोग फौज नहीं लेके आना चाहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। और स्टिल अगर आप लोग देखें, अगर अपना टीवी ऑन करके देखें, स्टिल बांग्लादेश की न्यूज़ जो वो चल रही है, प्रोटेस्ट स्टार्ट है, वाई दे आर स्टिल कीप रिजिस्टिंग, रीज़न ये है कि भाई वो सिर्फ कोटा सिस्टम नहीं चाह रहे थे, जो करप्शन इतने सालों से, 15 सालों से चल रही थी, ठीक है, मज़ीद बहुत से सालों से चल रही थी, वो उस सबको ख़त्म करना चाहते थे। वो सही वाला एक डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है, वो उसको लेकर आना चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं बांग्लादेश के यूथ ने, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अब उनकी डिमांड, अगर मैं बात करूँ, डिमांड्स की तरफ आते हैं ज़रा, अगर मैं उनकी डिमांड की बात करूँ, तो उन्होंने कोटा सिस्टम की बात की थी, ठीक है। तो ये उनके हक़ में बेहतर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 97% जनरल सीट्स दे दी, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को। उन्होंने सिर्फ कितनी मांगी थी, मतलब कि उन्होंने कहा था भाई हमें इतनी दो एटलीस्ट कि मतलब हमारा हक ना मारा जाए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 97% सीट्स उनको दे दी और सिर्फ 3% क्या रख दिया, कोटा सिस्टम रख दिया, ठीक है। मतलब कि उनको उनकी डिमांड से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बट स्टिल वो खामोश नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमें फुल फ्लेज फुल स्केल डेमोक्रेसी चाहिए अपने मुल्क में, ठीक है। हम सिर्फ एक पार्टी को हटा कर, मतलब हमने हसीना वाजिद को यहाँ से भगा दिया, नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, मतलब ज़ाहिर बात है उनका जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और इंटरिम गवर्नमेंट के बाद फाइनल इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश में, और उसके बाद मतलब कि फेयर और ट्रांसपेरेंसी वाले इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद ही कोई गवर्नमेंट जो सी है वो बांग्लादेश में आएगी। ये उनके चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश ने कह दिया है, ठीक है, आर्मी चीफ ने कहा है, सॉरी, नॉट चीफ जस्टिस। तो इसीलिए अब वो इस इंतज़ार में हैं कि भाई नई हुकूमत जो है वो बेहतरीन बननी चाहिए, ठीक है। तो अब उन्होंने ये भी डिमांड रखी थी कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। आज 3 बजे बांग्लादेश के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था। ये भी बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स ने करवाई है।
इसके साथ साथ आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्ट पे बताया था कि जो शेख हसीना वाजिद हैं उन्होंने अपोजिशंस को अरेस्ट किया हुआ था, तो साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया उनको भी जेल से रहा कर दिया गया है। उन पर बहुत ज़ुल्म सितम शेख हसीना वाजिद ने करवाए थे, ठीक है। तो इस तरह दिस टाइम बांग्लादेश इज़ होप फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस आफ्टर हसीना वाजिद फ्लीस। अब क्या होगा, देखिए या तो वापस सिविल वॉर होगी, मतलब जो डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनमें मुकाबला होगा कि अच्छा मैंने आना है मैंने आना है, या तो ये होगा। दूसरा, या तो कोई इस्लामी जमात इस्लामी टाइप कोई हुकूमत आ जाएगी वहाँ पर। तीसरा, वहाँ पर या पर वहाँ पर होगा मिलिट्री रूल होगा। इन दिनों में से कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल बांग्लादेश में एक क्योस की सिचुएशन है, ठीक है। हालात वहाँ के ख़राब है, हालात बिल्कुल भी वहाँ का ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलती है नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।